कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है और अब हम आपकी बात कराने जा रहे हैं कैंट क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सूर्यकांत धस्माना जी से। सर नमस्कार, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे कि तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी? देखिए तैयारी, जनता खड़ी है जी। और दूसरी बात हम ये पूछना चाहेंगे कि घोषणा पत्र दिखाने के बजाय संकल्प पत्र दिखाना, ये क्या सोचा हरीश रावत जी ने? संकल्प, कोई भी घोषणा होती है उससे पहले संकल्प होता है जी। तो पहले संकल्प फिर घोषणा। तो ये समय तो सर घोषणा पत्र निकालने का है, दहलीज पे खड़े हो। सब निकलेगा, आज नामांकन वापस लेने का अंतिम दौर है, कल वापस लेने की आखिरी तारीख है, उसके बाद हमारा घोषणा पत्र आएगा। लेकिन घोषणा, कोई पूजा शुरू करने से पहले पंडित जी संकल्प कराते हैं। तो हरीश रावत जी उत्तराखंड की परंपराओं को मानने वाले व्यक्ति हैं, तो इससे पहले कि वो घोषणा करें उन्होंने संकल्प किया है राज्य की खुशहाली का, राज्य की बेहतरी का, नौजवानों नौनिहालों के उज्जवल भविष्य का, माताओं के संकट को दूर करने का, पहाड़ की माता बहन के सर से घास लकड़ी और पानी के बोझ को कम करने का, बेरोजगार नौजवानों के हाथों को काम देने का, गरीब और दलित लोगों के उनका हक देने का, मलिन बस्तियों के लोगों को जो हमने मालिकाना हक दिया है उसके बाद उनके लिए विकास की महायोजना बनाने का, तो हमारा संकल्प है, उसके बाद घोषणा होगी। कांग्रेस के परिवार से काफ़ी सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया, वे काफ़ी खफा है कांग्रेस से, तो उन्हें मनाने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? हमारे अपने हैं, खफा है तो उनको मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसे हैं जो मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। सब मानेंगे, प्यार से सब मानेंगे जी। एक बात और आपसे पूछना चाहूंगी, जो कांग्रेस का परिवार घटा है और क्या लगता है आपको चुनाव में क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का? कभी कभी पंचकर्मा जब होता है तो शरीर के जितने रोग होते हैं, जितने विकार होते हैं, उनको पंचकर्मा के द्वारा निकाला जाता है, तो विकार निकल गए, रोग निकल गए, अब एक स्वस्थ कांग्रेस खड़ी है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हरबंस कपूर जी ने अपनी 60-65 लाख रुपए जो संपत्ति दर्ज कराई है, दिखाई है मीडिया के द्वारा, वो क्या लगता है आपको कि कितनी सही है और कितनी गलत? हम ये सब जानते हैं, जनता है सब जानती है, आप 60 लाख नहीं, आप 60,000 दिखाओ, 6,000 रुपए दिखाओ, सब लोगों को पता है, पब्लिक को, कि कौन क्या है। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के दावेदार प्रत्याशी और ठोस उम्मीदवार श्री सूर्यकांत धस्माना जी। देखते रहिए देवभूमि।